नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस देश में गोदी मीडिया ने ठेका ले रखा है हिंदू मुसलमान के दंगे कराने का। इस देश में हिंदू मुसलमान का जब तक भाईचारा खत्म नहीं होगा, तब तक गोदी मीडिया ऐसा लगता है कि वो अपनी पुरजोर कोशिश करता रहेगा। बार बार ऐसा देखने को मिलता है कि गोदी मीडिया के जो तमाम एंकर हैं, वो हिंदू मुसलमान के मुद्दे को इस तरह से उलझाए रखना चाहते हैं ताकि और मुद्दे टीवी पर जगह ही नहीं बना पाए और मुद्दों पर कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो पाए। न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन ने विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ एक गैर जरूरी, एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है। इस टिप्पणी को लेकर के उनके खिलाफ देश भर में दरगाह शरीफ के थाने समेत देश भर में हजारों FIR दर्ज हो चुकी है। इस वक्त हजारों FIR दर्ज हो चुकी है अमीश देवगन के खिलाफ और जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। जिस तरह से उन्होंने जो टिप्पणी की है मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ, उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। हम यहां पर स्पष्ट कर दें कि जो भी बातें हम यहां पर रखेंगे, जो भी बातें हम कहेंगे, हम अपने से वो शब्द नहीं कह रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज के लिए, बल्कि अमीश देवगन के शब्दों को यहां पर कोट कर रहे हैं ताकि लोगों को यह पता चल सके कि उन्होंने क्या कहा था एक्चुअली में, और उनके खिलाफ वाकई कोई एक्शन लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। ये बातें भी जनता के सामने आनी बेहद जरूरी है। ये बातें उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के लिए कही। सोच करके देखिए कि ये वही ख्वाजा गरीब नवाज है जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो चादर भेजते हैं, जिनके लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वो चादर भेजते हैं, जिनके लिए फिल्मी हस्तियां अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले वहां पर बाकायदा जाती हैं, दुआएं मांगती हैं। बिजनेसमैन, तमाम बिजनेसमैन वहां पर पहुंचते हैं, दुआएं मांगते हैं। उन ख्वाजा गरीब नवाज के लिए अमीश देवगन कह रहा है कि वो लुटेरे थे, वो आक्रांता थे। उन्होंने यहां पर आकर के, एक तरह से उनके शब्दों को अगर कहें तो, भारत में आकर अटैक किया, जबरदस्ती लोगों को इस्लाम कबूल कराया। फिर ऐसे व्यक्ति को हमारे देश का प्रधानमंत्री क्यों चादर चढ़ाता है? यह सवाल तो अमीश देवगन के शो में बैठे सुधांशु त्रिवेदी को करना चाहिए था, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी उस शो में मौजूद थे। उनको कहना चाहिए था कि अमीश, आप गलत बोल रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ख्वाजा गरीब नवाज की चादर हर साल भेजते हैं, तो फिर आप जो है उनको आक्रांता कैसे बुला रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं कि वो जो है लुटेरे थे, कैसे कह रहे हैं? लेकिन नहीं, क्योंकि बीजेपी के नेताओं को भी शूट करता है, उनको मालूम है कि हमारा काम जो है वो अमीश देवगन कर रहा है, इसलिए हम चुप रहते हैं। ये काम जो है वो गोदी मीडिया के एंकर, तमाम एंकर ऐसे हैं गोदी मीडिया के, वो एक दो का नाम नहीं है, अमीश देवगन ने आज किया है और जो दूसरे एंकर हैं वो लगातार इस काम को करते रहते हैं। तमाम एंकर इनके बेलगाम ये हो चुके हैं, ये पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। और सोच करके देखिए कि कोरोना महामारी जैसे समय में भी ये एंकर अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जहां पर बात करनी चाहिए थी जमीनी स्तर के मुद्दों की, वहां पर ये एंकर हिंदू मुसलमान को लेकर के बहस कर रहे हैं ताकि मुद्दों से ध्यान हटाया जाए और हिंदू मुसलमान में लोगों को फंसाया जाए, उलझाया जाए। 15 जून को अमीश देवगन ने अपने शो में आर पार में ये टिप्पणी की, उसके बाद में उनके खिलाफ देश भर में FIR दर्ज हो रही है और माना जा रहा है कि जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी होगी। वाकई इन गोदी मीडिया के एंकरों पर लगाम लगानी बेहद जरूरी है, क्योंकि आए दिन इस तरह की बहस जो है वो करते रहते हैं। इस तरह की बहस के कारण जमीन पर जो है वो हिंदू मुसलमान के बीच में ये खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं, और हो ना हो इन्हीं एंकरों के कारण कहीं ना कहीं देश में जो है वो एक बड़ा दंगा हो सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि ऐसे एंकरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अमीश देवगन अब माफी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं उनसे गलती हो गई, उनको माफ कर दिया जाए। लेकिन जरा सोच करके देखिए, क्या वाकई अमीश देवगन ने नासमझी की वजह से ऐसा किया? बल्कि उनके अगर शो को देखेंगे, गहराई से उनके शो को देखेंगे, तो वो तमाम ऐसी घटनाएं तो लगातार करते ही रहते हैं, हिंदू मुसलमान के ऊपर लगातार वो बहस करते ही रहते हैं, और वो कहते हैं अपने आप में देश की सबसे बड़ी बहस। ये देश की बहस नहीं है, ये आपकी बहस है, ये आपके प्रोपेगेंडे की बहस है। वो अपनी बहस जो है वो हिंदू मुसलमान के एंगल पर ही रखते हैं, कहीं ना कहीं उनकी बहस में जो है वो हिंदू मुसलमान आकर के ही रहता है, हिंदू मुसलमान के टॉपिक पर ही वो बहस करते हैं। लेकिन वो जिस तरह से कह रहे हैं उनसे गलती हो गई है, क्या आपको लगता है कि वाकई उनसे गलती हो गई है? उन्होंने कई बार इस बात को कहा कि चिश्ती लुटेरा था, चिश्ती आक्रांता था, उसने भारत में आकर के जबरदस्ती धर्म कबूल कराया, इस्लाम धर्म लोगों से कबूल कराया, जबरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाया। क्या आपको लगता है कि ये नासमझी की वजह से एक व्यक्ति कर रहा है?
क्या नासमझी की वजह से कोई व्यक्ति एक बार कोई जिक्र कर सकता है, लेकिन बार बार आप उन चीजों को रिपीट करते हैं और बार बार अगर कई सालों से आपका देखें तो यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो हिंदू मुसलमान रहा है, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा कि अर्थव्यवस्था की वजह से कितने लोगों की जो है नौकरियां जा रही है, अर्थव्यवस्था गिरने की वजह से आपको नहीं समझ में आएगा कि कोरोना महामारी की वजह से कितने लोगों की तड़फ तड़फ कर अस्पताल में जान जा रही है, लेकिन आप उस पर शो नहीं करेंगे, आप उस पर कोई डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके बूते की बाहर की चीज है, आपको समझ में ही नहीं आता है, आपको केवल समझ में ये आता है कि आप एक मौलाना को बैठाएंगे, एक पंडित को बैठाएंगे, एक बीजेपी के प्रवक्ता को बैठाएंगे, एक आरएसएस के चिंतक को बैठाएंगे और फिर उसके बाद में वही शो करेंगे कि हिंदू मुसलमान की आर पार की बहस और देश की सबसे बड़ी बहस। ये देश की सबसे बड़ी बहस नहीं है, ये आपके प्रोपेगेंडा की सबसे बड़ी बहस है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि अमीश देवगन ने आर पार की बहस तो वो जरूर करते हैं, लेकिन इस बार जब उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है तो आर पार की मूड में जो है वो देशवासी नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से हजारों की संख्या में उनके ऊपर एफआईआर कराई जा रही है तो निश्चित तौर पर उनकी गिरफ्तारी होनी तय है। वाकई ऐसे लोगों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से आम व्यक्ति का हक मारा जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से आम व्यक्ति की समस्याएं वो टीवी पर जगह नहीं बना पाती है, आम व्यक्ति की जो रोजमर्रा की जो दिक्कतें हैं वो टीवी पर बहस में जो है वो नहीं आ पाती है और इसकी वजह से उनको नुकसान होता है। इसलिए ऐसे लोगों को और ऐसे प्रोपेगेंडा करने वाले तमाम एंकरों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि वो हिंदू मुसलमान की आग भड़काने के लिए इन एंकरों को खुली लगाम जो है वो दे रखे हैं, एक ना एक दिन जो है ये आंच उन तक भर भी पहुंचेगी। इसलिए समय रहते सरकार को भी चाहिए कि एक ऐसी गाइडलाइन लाई जाए ताकि उसके तहत जो है हिंदू मुसलमान की डिबेट करने वाले इन एंकरों पर रोक लगाई जाए। अगर हकीकत में देखें तो हमें इतना खतरा पाकिस्तान चीन नेपाल से नहीं है जितना खतरा हमें घर में बैठे हमारे देश में बैठे इन गोदी मीडिया के एंकरों से है। जितना नुकसान हमारा चीन पाकिस्तान नहीं कर पाएगा उससे ज्यादा नुकसान, उससे ज्यादा हमारा भाईचारा गोदी मीडिया के ये एंकर कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसे एंकरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको अगर जरूरी हो तो गिरफ्तारी भी इनकी की जानी चाहिए, ताकि ऐसे एंकर भविष्य में इस तरह की जो है वो भाईचारे को तोड़ने की और एक समुदाय विशेष के खिलाफ इतनी गंदी इतनी अभद्र टिप्पणी करने की कोशिश ना कर सके। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।